केवल एक ही योद्धा है जो इतना चपल है। लक्षग्रह से जीवित बच निकले, अर्थात माता कुंती भी सुरक्षित है। समझ गया हूं कि तुम एक महान योद्धा हो ब्राह्मण, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें इस युद्ध की आकांक्षा स्वयंवर में विजय की आकांक्षा से भी कहीं अधिक है, और आकांक्षा मेरी भी यही है कि ऐसे ही एक वीर से अपना अधूरा द्वंद पूर्ण करूं। परंतु वो अधूरा द्वंद युद्ध भूमि में पूर्ण होगा, किसी अभिमानी के स्वयंवर में नहीं। शंका का निवारण हो गया, अब इस युद्ध का कोई कारण शेष नहीं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस युद्ध को यहीं समाप्त करता हूं। जाओ ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। रुक जाओ मित्र, ये युद्ध यहीं समाप्त करो मित्र। विजेता को अपनी स्वयंवर आदर से ले जाने दो मित्र। नहीं मित्र, हम इन्हें मित्रों में वाद परिवाद नहीं होता। ये ब्राह्मण अपने उपहार का अधिकारी है। जाने दो इसे। कुंती और पांडव जीवित हैं, मेरे मन से एक बोझ उतर गया, अन्यथा लाक्षाग्रह की वो अग्नि मेरे मन को सदैव जलाती रहती। इसलिए आप पांडवों की मृत्यु की सूचना से व्यथित नहीं थे, क्योंकि आपको सब कुछ ज्ञात था। यदि ज्ञात ना भी होता तो भी व्यथित होने का कोई कारण नहीं था। कारण अब तो सत्य स्वीकारिए केशव, अब समझ आया आपका वो कथन कि एक खेल प्रारंभ होने जा रहा है, वो खेल जिसका मैं भी एक पात्र हूं। अब समझ में आया कि आपने मुझे स्वयंवर में भाग ना लेने की मंत्रणा क्यों दी। अब समझ आया कि कर्म की हुंकार भरने वाले कृष्ण उस समय क्यों मौन रहे जब जन्म के कारण
भरी सभा में मेरा उपहास उड़ाया गया। अर्जुन के लिए ही ना नटवर, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? केवल अर्जुन को स्वयंवर में जिताने के लिए, इसलिए आपने ऐसी परीक्षा रखी जो अर्जुन के पक्ष में हो, ताकि वो पांचाली का भंग कर सके। अर्जुन के लिए इतना झुकाव क्यों? उसके लिए मेरा अपमान क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? इतना पक्षपात क्यों? क्यों वासुदेव? क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं पक्षपाती हूं मित्र? क्यों, क्या आप नहीं हैं? नहीं कर, मैं अर्जुन के उतना ही पक्ष में हूं जितना तुम्हारे पक्ष में। सत्य कहूं तो मैं सबके पक्ष में हूं और किसी के पक्ष में भी नहीं। ये तो कर्ता पर निर्भर करता है कि वो कौन सा पक्ष चुनता है। मित्र, आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ज्ञात है कि ये खेल आप ही ने रचा है। ठीक है, यदि तुम ऐसा मानते हो तो क्या ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे किया? नहीं, मैं केवल ये जानना चाहूंगा कि आपने ये क्यों किया। प्रश्न बड़ा विकट है कर्ण, यदि विस्तार से इसका उत्तर दिया तो सुनने में तुम्हारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। परंतु तुम्हारे शंका के निवारण के लिए मैं इसे संक्षिप्त में बताता हूं। एक महाचक्रवात आने को है कर्ण, ऐसा विकराल चक्रवात जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा।